दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। और ये प्लान जो है दोस्तों दो भाइयों के लिए है। अगर आप दो भाई हैं और भविष्य में चाहते हैं कभी बंटवारा हो तो उनके लिए इस प्लान को मैंने डिजाइन किया है, जिसमें कभी भविष्य में अगर बंटवारा होता तो इक्वल पार्ट में सेपरेशन हो चुके सके और आपको घर को तोड़ने की आवश्यकता ना हो। तो ये पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा दोस्तों एक पेड सर्विस है और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैंने क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हो, अगर सामने से आप देखेंगे ना तो आपको एक ही मकान देखने को मिलेगा। अगर आप कभी भी सेपरेशन करवाना चाहते हैं तो आपको बीच से सेपरेशन हो जाएगा और आप दो फैमिली आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। तो यही पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हैं ऐसा घर बनवाना तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल के लिए हम आपको दोस्तों इसका पूरा ओवरव्यू दिखाते हैं। मैं मैक्सिमम जूम कर देता हूँ आपको, जिससे इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। दोस्तों साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्लास का भी वर्क मिलेगा और यहाँ पर एक सीढ़ियाँ भी दी हैं, स्टेयर्स भी, यहाँ से आप चढ़कर भी जाएंगे। और इधर राइट हैंड पर भी आपको सिमिलर प्लान देखने को मिलता है। सामने से अगर आप देखेंगे तो एक बारंदा बड़ा सा देखने को मिलता है, इसमें दो दो पिलर बीच में बने हुए साइड में और बीच में, जिससे ये पूरा, ये जो दोस्तों दो पिलर हैं यही आपका बिल्कुल सेंटर लाइन है, यहीं से आपका सेपरेशन होगा। तो टॉप व्यू तो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ कि टॉप से आपको कैसा मकान दिखेगा। ऊपर से आप देख सकते हैं और फ्रंट से ही क्लोज्ड है, ओपन है, बाद बाकी तीनों साइड दोस्तों मकान क्लोज्ड है। आप देख सकते हैं तीनों साइड यहाँ पर बंद मकान देखने को मिलेगा, चलो फ्रंट से आपको ओपन देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसे आप दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे तो देखिए ग्लास मैंने दोस्तों एक साथ डिजाइन की है, इस वजह से सारी चीजें मैं रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो लेकिन फ्रंट से आप देखिएगा, ये आपको ऐसा दिखेगा। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो ये आपके बारंदे का डिजाइन है, आप बारंदे में जाएंगे। बट मैंने बारंदे से भी आप एंट्री कर, बारंदे में जाने के बाद ये देख सकते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पर भी बैठ आपका डोर और एक बड़ा सा विंडो लगा है और राइट हैंड साइड पर भी डोर और विंडो लगा है। लेकिन उससे पहले मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको एक डोर दिया लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में भी एक डोर दिया और ग्लास का वर्क दिया है। अब इसे मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ, जिससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर क्या बना है। तो जब जब आप ऊपर से मकान देखेंगे ना तब सारा क्लियर होगा। ये पूरा दोस्तों बारंदे वाला डिजाइन है। अगर आप एंट्री बारंदे के थ्रू करना चाहते हैं तो बारंदे पर जाने के बाद आप इन दोनों गेटों से एंट्री कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो आप इस डोर से भी एंट्री कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं टॉप व्यू। अगर आप इसे डोर से एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाएंगे, गैलरी है और यहीं पर आपका सबसे फ्रंट में ही स्टेयर से जीना देखिएगा। इधर से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे और टर्न होकर आप वापस चले जाते हैं और फ्रंट में ग्लास का वर्क है। इसके बाद अंदर जाएंगे तो ये आप पूरा हॉल में एंट्री कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल दोस्तों राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड पर भी मैंने एक डोर दिया, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर भी स्टेयर्स देखने को मिलेंगी और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अगर आप साइड वाले डोर से एंट्री करते हैं तो आप डायरेक्ट अंदर पहुँचते हैं। अगर आप बारंदे के थ्रू जाएंगे तो यहाँ से भी आप देखिए डोर और विंडो दिया प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन वगैरह के लिए, तो आप अंदर पहुँचते हैं। अंदर पहुंचते ही अब पहले हम राइट हैंड साइड चीजें आपको दिखा देता हूँ। तो राइट हैंड पर दोस्तों आपको दो बेडरूम मिलते हैं। यहाँ पर मैं एक दरवाजा लगाना भूल गया हूँ और क्योंकि यहाँ पर दो आपके बीच में देखिए टोटल पीछे सबसे चार बेडरूम देखने को मिलते हैं और चार बेडरूम में दो दोस्तों राइट हैंड में है, दो लेफ्ट में। ये वाला जो वॉल है ये आपका पूरा सेपरेट करेगा मकान को। तो अब अगर हम बात करते हैं इधर की तो ये देखिए दोस्तों ये आपका किचन है, इसी पर मैंने डोर और विंडो दिया, ये लेट एंड बाथ है और इधर दो बेडरूम आपको है। तो ये पूरा एक सेपरेशन यहाँ से होगा तो ये आधा डिवाइड इधर हो जाएगा और इधर बात करें इधर भी आपको दो बेडरूम और किचन लेट बाथ देखने को मिलता है और ये फ्रंट का लुक जो है वो आपको उस सिमिलर दिखेगा बाहर से। और ये पूरा दोस्तों डाइनिंग हॉल वगैरह आंगन वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ा सा। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप भी दोस्तों पेड सर्विस हमारी लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टेक्ट करें, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं हाउस क्रिएट करता हूँ। बात करता हूँ उसके लास्ट फ्लोर की। तो जैसे आप लास्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे तो देखिए स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर पहुंचेंगे। तो जो स्टेयर वाला पोर्शन था वो मैंने एक साथ कवर कर दिया है और यहाँ पर दोस्तों ये जो आप ब्राउन और ब्लैक कलर का देख रहे हैं ये पैनल का डिजाइन है दोस्तों और ये आपका पूरा घुमटी है जो स्टेयर्स को ढकेगा। तो यही आप इसके बाद ये ग्रिल मैंने आगे बना रखी है, देख सकते ग्रिल जो कि 3.5 फिट का है और इधर भी ग्रिल 3.5 फिट का बना हुआ है। तो ये ओवरऑल पूरा मकान बना हुआ है। अब इसके हम साइज की बात कर लेते हैं कि कितने में मकान बना है। तो 48 फिट इसका दोस्तों फ्रंट है यहाँ पर और गहराई की बात करें या लंबाई की बात करें जो कि आपको 40 फिट है। तो 48 बाई 40 में आपको दो भाइयों के लिए मकान देखने को मिलता है।
अगर आधे आधे की बात करें तो 24/1 हिस्से में पड़ेगा और 24/1 में पड़ेगा और 40 गहराई पड़ेगी। तो ये पूरा मॉडल आपके सामने बेहतरीन तरीके से दोस्तों 48x40 फीट में मैंने बनाकर आपको दिया है। तो अगर आपको हमारा प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।